अब जब हम इकोनॉमी की बात अगर करते हैं हम ग्रीनलैंड के, नाउ पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर मेनली डिपेंडेंट ऑन फिशिंग। ग्रीनलैंड के लोग जो हैं वो मेनली मछली मारने पर निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इनकम कम्स फ्रॉम द फिशिंग इंडस्ट्री। ज़्यादातर जो देश की इनकम है वो फिशिंग इंडस्ट्री से आती है, मछली इंडस्ट्री से आती है। फ्रोजन कैंड फूड एंड ड्राइड एंड स्मोक्ड फिश आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। ओके, फ्रीज किया हुआ जो है डब्बे में बंद खाना और ड्राई और स्मोक किया हुआ जो है फिश जो है ये वो भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। बाय द वे ग्रीनलैंड जो है वो एरिक थॉरवाल्डसन के द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था, जैसे कि एरिक द रेड के नाम से भी जो है 10th century में जाना जाता था। खैर, एग्रीकल्चर जो है इट इज़ प्रैक्टिस्ड बाय अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ओके, एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ के बहुत ही छोटी जो परसेंटेज है जनसंख्या की इस देश की वही इसको प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस विच डू नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। और ऐसा जो है यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से है जो कि पौधों की या फसलों की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब हम यहाँ के लाइफ की बात कर लें, लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों की लाइफ। तो जो नेटिव या जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं ग्रीनलैंड के, द नेटिव और ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड, ठीक है, दे आर कॉल्ड द इन्यूट्स, उन्हें जो है इन्यूट्स कहते हैं। दे यूज टू लिव इन स्नो हाउसेज कॉल्ड इग्लूज। वो जो है बर्फ के घरों में रहा करते थे जिसे कि इग्लू कहते हैं। इग्लूज आर डोम शेप्ड हाउसेज विद अ सिंगल ओपनिंग। ये जो है गुंबद टाइप का जो है घर हुआ करते थे इग्लू सब, देख रहे हो गुंबद टाइप का है जिसमें कि बस एकमात्र जो है रास्ता होता था घुसने का, और ऑफ कोर्स ये बर्फ से बना हुआ है। इन समर दे लिव इन टेंट्स मेड ऑफ एनिमल स्किन। गर्मी के टाइम में जब बर्फ पिघलने लगता था तो उस समय में ये वो जानवर की खाल से बने हुए टेंट में रहते थे। दीज टेंट्स आर कॉल्ड टॉपिग्स। ये टेंट जो है इन्हें टॉपिग्स कहते हैं। The southwestern coast of Greenland is the warmest part and therefore the most populous part of the country. जो southwestern part है, southwestern coast है ग्रीनलैंड का, वो सबसे गर्म हिस्सा है और इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा population मिलती है इस देश की। Now as the people of Greenland use harpoons to hunt seals, walruses and whales. ग्रीनलैंड के लोग जो हैं वो हार्पून का यूज करते हैं, बड़ा सा भाला इसके पीछे रस्सी लगी रहती है सील का, वालरस का और वेल का शिकार करने के लिए। दे ऑल्सो कैच फिश, वो मछली भी पकड़ते हैं। फिश फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट। फिश जो है वो उनके खाने पीने का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इट इज एक्सपोर्टेड एज वेल, इसका एक्सपोर्ट भी होता है, निर्यात भी होता है। दे इम्पोर्ट अ नंबर ऑफ अदर फूड आइटम्स ऑल्सो। इम्पोर्ट मतलब आयात करना, दूसरे देश से खरीद कर अपने देश में मंगाना। तो वो जो है बहुत सारे फूड आइटम इम्पोर्ट भी करते हैं, दूसरे देश से मंगाते भी हैं। नाउ एज ग्रीनलैंड इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेस, पीपल वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ फर टू विच हुड्स आर अटैच्ड। क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेस है, काफ़ी ठंडी जगह है, तो लोग जो है यहाँ पर फर से बने हुए कपड़े पहनते हैं जिनमें कि हुड जो है अटैच्ड होता है। दे कीप देयर हैंड्स कवर्ड विद मिटेंस एंड वेयर लार्ज बूट्स मेड ऑफ सील स्किन। वो जो है मिटेंस से अपने हाथ को ढक के रखते हैं और बड़े बड़े बूट पहना करते हैं सील के स्किन से बना हुआ। द इनुइट्स यूज कयाक एंड यूमिक्स टू ट्रैवल ऑन वाटर बॉडीज। इन्यूट्स जो हैं वो कयाक का और उमियक का यूज करते हैं वाटर बॉडीज के ऊपर ट्रैवल करने के लिए। स्लेजेस आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लेसेज विच रिसीव अ लॉट ऑफ स्नोफॉल। स्लेज भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं उन जगहों पर जहाँ पर कि ढेर सारी बर्फ मिलती है। स्लेज बेसिकली कह सकते हो कि हम लोग के कठी गाड़ी की तरह होता है, लेकिन ये चूंकि इसमें कोई पहिया नहीं होता था, बर्फ पर ये फिसलता है और ये हस्कीज वगैरह या रेंडियर वगैरह, मेनली हस्कीज वगैरह जो है वो स्लेज को खींचने में काम आते हैं। नाउ द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड हैज चेंज्ड ओवर द ईयर्स। तो पिछले समय से जो है ग्रीनलैंड पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी जो है वो बदली है। मैनी ऑफ देम वर्क इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स। उसमें से बहुत सारे जो है वो खदान में और तेल के मैदान में जो है काम करते हैं, ऑयल फील्ड में काम करते हैं। द पीपल लिव इन परमानेंट हाउसेज। अब ये लोग जो है परमानेंट हाउसेज में रहते हैं। दे यूज राइफल्स इंस्टेड ऑफ हार्पून्स फॉर हंटिंग। ओके,
वो जो है अब हार्पून की जगह पर जो है राइफल वगैरह का यूज करते हैं एंड मोटर बोट्स फॉर फिशिंग. अब कयाक वगैरह की जगह पर जो है मोटर बोट का यूज करते हैं फिशिंग वगैरह के लिए. नाउ मैनी पीपल हैव माइग्रेटेड टू टाउन्स फॉर बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड मेडिकल ट्रीटमेंट. बहुत सारे लोग जो है वो शहर चले गए हैं माइग्रेट करके, पलायन करके, बेहतर एजुकेशनल फैसिलिटी के लिए और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए. ट्रेवलिंग आउटसाइड ग्रीनलैंड इज नाउ ईजियर एज सम प्लेसेज आर कनेक्टेड टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका बाई एयर. अब ग्रीनलैंड से बाहर ट्रैवल करना जो है वो आसान हो गया है क्योंकि कुछ जगह जो हैं ग्रीनलैंड के वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से बाई एयर, मतलब कि हवाई जहाज से कनेक्टेड हैं. द कैपिटल सिटी नूक, प्रीवियसली नोन एज गॉडथाव, इज अ मॉडर्न सिटी. जो कैपिटल सिटी है नूक, जिसे पहले गॉडथाव कहा जाता था, तो ये बहुत ही मॉडर्न सिटी है. ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर प्रोसेसिंग फिश. ये फिश को तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण सेंटर है. सो लेट अस यू नो क्विकली रिकैप दिस चैप्टर कि ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है. ग्रीनलैंड जो है वो सालों भर ठंडा रहता है. बड़ा सा हिस्सा जो है ग्रीनलैंड का वो बहुत ही मोटे बर्फ़ में ढका रहता है. ड्यू टू दिस रीजन, इस वजह से यहाँ पर जो है इस रीजन में काफ़ी कम वेजिटेशन होती है, मतलब पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं. घास, श्रब और मॉसेज जो है ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि ग्रीनलैंड में बड़े होते हैं. क्लाइमेट जो ग्रीनलैंड का ये एक्सट्रीम है. सूरज जो है वो कई महीनों के लिए उगता नहीं है विंटर में, और समर में जो है यहाँ पर लंबे समय तक के लिए लगातार दिन ही रहता है. फिशिंग जो है वो यहाँ के लोगों का, ग्रीनलैंड के लोगों का जो है मेन पेशा है, ऑक्यूपेशन है. सो वेल, दैट इज इट फॉर दिस एक्सरसाइज, आई मीन चैप्टर. यू हैव टू डू द एक्सरसाइज नाउ, कंप्लीट द एक्सरसाइज नाउ. ठीक है, अब अगले लेसन में हम लोग जो है लैंड ऑफ द हॉट सन सऊदी अरेबिया के बारे में बात करेंगे. वेल, अंटिल देन हैव फन एंड कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स. बाय बाय.